वेलकम टू नेटवर्किंग एंड आज का मेरा टॉपिक है ईआईजेआरपी एंड ईआईजेआरपी का दूसरा टॉपिक है एंड ये जो फोन और आउट नंबर को मैं आता हूँ ईआईजेआरपी को कॉन्फिगर करता हूँ एंड आउट नंबर वन के साथ जो दो लूपबैक है एंड इसका सेल एडमिनिस्ट्रेशन है 32 है, एक आईपी सीरियल है 3/0 है एंड इसका आईपी 192.168.10.0 एक साइड में 1 है एंड दूसरे साइड में 2 है एंड इसका सेल एडमिनिस्ट्रेशन है 30 है। मैं आता हूँ राउटर नंबर वन को एंड जो वैसे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ फिर एंड ईआईजेआरपी को भी कॉन्फ़िगर करता हूँ एंड कॉन्फ़िगर मोड में आता हूँ। इंटरफेस सीरियल कितना है 3/0 है एंड आईपी 192.168.10 इस साइड में 2 है दूसरे साइड में इस साइड सॉरी 1 दूसरे साइड में 2 है एंड इसका सेल एडमिनिस्ट्रेशन है 30 है और इसका 255 लास्ट में आता है एंड दो लूपबैक है। इंटरफेस लूपबैक क्या है, लूपबैक वन है, लूपबैक वन का आई पी है 5.5.5.5 एंड इसका सेल एडमिनिस्ट्रेशन है 32 है एंड लूपबैक का जो सेल एडमिनिस्ट्रेशन 32 होता है बट एंड इंटरफेस का नहीं होता है एंड इसको मैं करता हूँ नो शट डाउन एंड एक और भी लूपबैक है इंटरफेस लूपबैक लूपबैक 2 एंड इसका आई पी है 6.6.6.6 एंड .6 255.255.255.255 इसको भी नॉट शटडाउन करता हूँ एंड इधर ही आता हूँ एंड राउटर जो ईआईजेआरपी को कॉन्फ़िगर करता है राउटर एंड ईआईजेआरपी ऑटोनोमस सिस्टम इजीली में देता हूँ 10 एंड नो ऑटो समरी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एक साइड में 1 है 192.168.0.0 है 10.0 है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 255.0.0.0 एंड लास्ट में 3 होता है क्योंकि इधर ही जो सबनेट मास्क इसका जो सेल एनोटेशन है सॉरी एंड इसका सेल एनोटेशन कितना है, इसका सेल एनोटेशन जो एंड इसका सेल एनोटेशन है 30 है, 30 का लास्ट में वाइल्ड कार्ड में 3 होता है एंड दूसरे लूप बैक है 5.5.5.5 एंड इसका जो लास्ट सारा 0 है क्योंकि इसका सेल एनोटेशन और 30 है 6.6.6.6.0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मार्क एंड मैं आता हूँ राउटर नंबर इसको सेव करता हूँ डुराइट एंड राउटर नंबर 2 को भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एंड एक साइड 3/0 है दूसरे साइड में 3/1 है इसका आई पी है 172.16.0. इस साइड में 1 है एंड दूसरे साइड में भी 2 है इसका सेल एनोटेशन है 24 है एंड इनेबल मोड में आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 3/0 एक साइड में नो शटडाउन एंड आई पी 192.168.10 इस साइड में 2 है 255.255 सीरियल दूसरे साइड में 3/1 है एंड नॉट शट डाउन। आई पी क्या है, आई पी 172.16.0.1 है 255.255.255.0 एंड नॉट शट डाउन। राउटर क्या है, ईआईजेआरपी है। मैं अभी चेक करता हूँ जो बाकी जो लूपबैक नहीं आता है राउटर नंबर वन के साथ जो लूपबैक दो लूपबैक है ये लूपबैक देखो नहीं आ रहा है। मैं जो ईआईजेआरपी को कॉन्फ़िगर करता है फिर राउट को शो करता है। ईआईजेआरपी ऑटोनोमस सिस्टम टेन है एंड नो ऑटो समरी। नेटवर्क 192.168.10.0.0.0.0.3 है एंड दूसरे क्या है 172.16.0.0 एंड इसका 0.0.0.255 है एंड इसको भी अभी शो करता हूँ। देखो पहले जो मैंने शो किया था वो लूपबैक नहीं आ रहा था, शो आई पी राउट डू शो आई पी राउट। अभी देखो दो लूपबैक वो लूपबैक आ रहा है, मैं इसको करता हूँ सेव भी डू राइट एंड आता हूँ राउटर नंबर 2 के साथ भी। एक सीरियल है एंड 3/1 है दूसरे साइड में 3/0 है एंड इसका आई पी 100.10.0.0 है एंड इसका सेल एनोटेशन है 10 है। मैं आता हूँ इधर ही एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और इंटरफेस सीरियल 3/1 है नॉट शट डाउन। आई पी 172.16.0 इस साइड में 2 है 255.255.255 इसको भी नॉट शटडाउन करता हूँ एंड दूसरे साइड में 3/0 है एंड नॉट शटडाउन। आई पी इसका है 100.10.0.0 है
डॉट वन है 255 डॉट 255 एंड इसका सेल इंप्लीमेंटेशन कितना है 10 है। और जो एड जो कॉल होता है एंड 9 का होता है 128 एंड जो 10 का होता है 192 होता है डॉट 0 डॉट 0 है एंड इसको भी नॉट सेट करता हूं नॉट सेट एग्जिट एंड राउटर को भी अभी चेक करता हूँ और राउट नहीं आता है ड्यू टू आईपी राउट। देखो राउट नहीं आ रहा है जो ये आ रहा है डायरेक्ट कनेक्ट राउटर एंड ईआईजेडपी राउटर ईआईजेडपी 10 एंड नो ऑटो समरी नेटवर्क 172.16.0.0.0.0 एंड इसका सब सेलेन नोटेशन कितना है इसका है सॉरी इसका है 24.255 है एंड दूसरे साइड में क्या है 100.10.0.0.0 एंड इसका सेलेन नोटेशन देखो कितना है 10 है और जो 9 का होता है 127 होता है एंड 8 का होता है 64 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बल्कि 63 है .255.255 एंड इसको करता हूँ एग्जिट अभी चेक करता हूँ ड्यू टू आईपी राउट अभी देखो बाकी जो राउट आ रहा है जो 5 वाला आ रहा है 6 वाला आ रहा है एंड 192 वाला भी आ रहा है इसको करता हूँ सेव टू राउट एंड आता हूँ राउटर नंबर 3 को भी सेम कॉन्फ़िगरेशन को एंड ईआईएस कॉन्फ़िगर करता हूँ ड्यू टू आईपी राउट अभी देखो कुछ डाउट आई पी कन्फिगर नहीं है ड्यू टू आई पी राउट अभी देखो कुछ आई पी कन्फिगर नहीं है एंटर पे सीरियल है सीरियल 3/0 तो भी नोटेशन करता हूँ आई पी क्या है 100.10.0 असाइनमेंट 255 एंड 192.0.0 है एंड 255.25 सॉरी करता है नोटेशन एंड राउट द लूप बैक भी राउट कोड के साथ जो द लूप बैक है इंटरफेस लूप बैक 1 एंड इसका आईपी है 3.3.3.3 है 255.255.255 करता भी नोटेशन एंड दूसरा लूप बैक है इंटरफेस लूप बैक 2 है इसका आईपी है 4.4.4.4 है 255.255.255 है डू शो आई पी राउट अभी देखो बाकी राउट नहीं आ रहा है जो ये 3 वाले 4 वाले हैं 10 वाले जो डायरेक्ट कनेक्ट है राउटर ईआईजेडपी ऑटोनोमस सिस्टम 10 है एंड नो ऑटो समरी नेटवर्क 100.10.0.0 है 0.63.0.255.255 दूसरे के है लूप में दो लूप में भी कनेक्ट है 3.3.3.3 है 0.0.0 इसका वाइल्ड कार्ड मार्क 0 होता है 4.4.4.4 है 0.0.0 है एंड नो शटडाउन नहीं करनी चाहिए दूसरे आई पी राउट करता हूँ अभी देखो जितना राउट है सारा राउट आ रहा है जो राउट नंबर 1 के साथ जो दो लूप में 5 वाला है 6 वाला है दोनों आ रहा है एंड 192 वाले भी आ रहा है 172 वाले भी आ रहा है मैं आता हूँ राउटर नंबर 1 को भी चेक करता हूँ जितना भी राउटर है सारा राउट इधर ही शो करता है डू शो आईपी राउट देखो जितना राउटर है सारा राउट को ही शो कर रहा है शो आईपी एंड राउट राउट ईआईएलपी करता हूँ कौन सा ईआईएलपी से आ रहा है देखो ये जो बाकी राउट से आ रहा है 3 वाला आ रहा है 4 वाले जो राउटर नंबर 4 के जो बैक साइड में दो लूप बैक है एंड 10 वाले भी राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 4 के जो अंदर कनेक्ट है और ये आई पी है 172 वाला राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 2 के दरमियान में है और मैं एक और कमांड वेरीफाई को करता हूँ भी राउटर ईआईजेडपी आई पी ईआईजेडपी एंड ईआईजेडपी नेबर एनेबल देखो 192.168.10.2 से आ रहा है देखो 3 है सीरियल है 3/0 है शो एंड शो आईपी जो आईपी ईआईएलपी इंटरफेस करता हूँ देखो ये इंटरफेस है एक दो लूप बैक है एक सीरियल है 3/0 है एंड शो आईपी ईआईएलपी
एंड टोपोलॉजी करते जितना जो बाकी डाउट आ रहे देखो टोपोलॉजी टोपोलॉजी एंड शो आईपी टोपोलॉजी देखो टोपोलॉजी जो जितना मैप है सारा मैप को ही शो करता है। 192 वाला भी है, 4 वाला है, 10 वाला है, 172 वाला है, 5 एंड 6 3 वाला सारा जो इसकी मैप होता है। तो आईपी राउट एंड शो आईपी ए आईआरपी एंड ये आईआरपी नाइवर इंटरफेस टाइम ऑफ इस टाइम को भी चेंज करते हुए वीआरपी जो ये मेरा सीसिंग की कट ऑफ है देखो ट्रैफिक है। और मैं राउटर नंबर जो पॉप की जो बैक साइड एक जो दो लूप बैक है इसको पिंक करता हूँ 3.3.3.3 है इसको पिंक करता है देखो पिंक कर रहा है एंड फोर को करता हूँ 4.4.4.4 लास्ट में ये आती है एंड इसको पिंक कर रहा है सारा राउटर की जो राउट आ रहा है। मैं राउटर नंबर जो पॉप को आता हूँ भी पिंक करता हूँ एंड पिंक 172.16.0.1 को करता हूँ इसको भी पिंक करता है एंड वन पिंक 192.168.10.1 को करता है 1 को भी पिन कर रहा है 2 को करता हूँ एंड 2 को भी पिन कर रहा है एंड पिंक एंड 5.5.5.5 जो ये लूप बैक वन राउटर नंबर 1 की जो बैक साइड दो लूप बैक है एक ये है एंड दूसरे सिक्स वाला है 6 वाले को भी करता हूँ पिंक 6.6.6.6 एंड देखो इसको भी पिन कर रहा है सारा राउटरों की जो काम चल रहा है एंड ई आई आरपी इसी तरीके कन्फिगर होता है। इधर ही मैंने सबनेटिंग भी किया है एंड इसका कनेक्टेशन है 13 है इसका है एंड लूपबैक का जो आप 32 दे सकते हैं बट एंड जो इंटरफेस का आप नहीं दे सकते हैं मैं नेटवर्क में आप नहीं दे सकते हैं एंड इस साइड में और 10.1.10.0.10 है ये जो क्लास ए का ये क्लास बी का ये क्लास सी का है।